उत्तर प्रदेश शहर लखनऊ से बड़ी खबर के साथ मैं आपको बताता चलूं कि डायल 112 की महिला कर्मचारियों लखनऊ के इको गार्डन में मना रही हैं, वहीं धनतेरस और दीपावली। डायल 112 की महिला कर्मियों ने इको गार्डन में ही मनाई रंगोली और जलाए दीप। दीपावली पर नहीं पहुंच पाई इस बार, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच तो रही हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग पे नहीं आ रही हैं, इसलिए वो अभी मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। लेकिन ये आशा कर बैठी हुई हैं लखनऊ के इको गार्डन में कि आने वाले वक्त में इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करेंगी। और मांगे पूरी ना होने के पाँचवें दिन से धरने पर बैठी हैं डायल 112 की महिला कर्मचारी। अभी पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर गौतमपल्ली थाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूपी पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि जिस तरह से 112 की महिला कर्मचारियों की लड़ाई उनके मुख्यालय से शुरू हुई और वो मुख्यालय के बाद जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, उन पर अभद्रता की, उनके साथ बदतमीजी की गई और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार और विभाग दोनों ही उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। मेरा बस इतना प्रयास था उस पोस्टर के माध्यम से कि मैं इन बेटियों की आवाज़ को मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँचा सकूँ। मैंने इसीलिए इसी क्रम में उन बेटियों की मार खाते हुए वो तस्वीर लगाई, जहाँ पर एक तरफ भाजपा सरकार ये कहती कि हम नारी वंदन का कार्यक्रम चला रहे हैं और दूसरी तरफ उसी भाजपा सरकार के राज में लखनऊ राजधानी के अंदर महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया, मारा गया और उनकी वेतन बढ़ाने की मांग पर उनको इको गार्डन में लाकर के कैद कर दिया गया। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लेने की जगह उल्टा ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मुझे पर FIR दर्ज की। कोई बात नहीं, ये संघर्ष की लड़ाई है, ये इन बेटियों की लड़ाई है। मैं आप मुझ पर जितने भी मुकदमे लिखना चाहें, आप मुझे जिस तरह से भी प्रताड़ित करना चाहें, मैं न अपने हौसलों को टूटने दूंगी और न इन बेटियों के हौसलों को।